तो कैसे उम्मीद करते अच्छे होंगे। और गुड़िया सिंह धमाल में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे, और अच्छे होंगे ही नहीं, अच्छा रहना चाहिए। आप लोग अच्छे रहिए और अच्छे ही रहेंगे तो मेरा सपोर्ट हमको, मेरा सपोर्ट नहीं मतलब आप लोग का सपोर्ट हमको मिलता है, समझे। तो आप लोग अच्छे रहिए, अच्छा रहना चाहिए। मेरा भी दुआ है कि हमारे जितने फ्रेंड हैं, हमारे जितने पब्लिक है, हमारे जितने सब्सक्राइबर है, सब अच्छे रहें। और दिल से सबको यादा करते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो इतना देखते हैं। और मालूम है यहाँ देखिए रूम जो वहाँ कल खाली हम लोग किए हैं, तो यहाँ देखिए बाप सामान सब पूरा बिखरा हुआ है। सामान सब देख लीजिए कितना बिखरा हुआ, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कबारा लग रहा है, कबारा। और ये जो रूम जो है, जब फिनिशिंग हो जाएगा, जब पूरा पूरा सैंत लेंगे और नंदिनी सैंत देगी तो सत उत लेंगे ना, तब अच्छा लगेगा। तो जब रूम साफ हो जाएगा तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे। और खैर छोड़िए, और आज कुछ और बताना चाहते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा, ब्लॉग में, कमेंट बॉक्स में बताएगा कि वीडियो कैसा लगा। और देख लीजिए यहाँ पे ममता जी और नंदिनी सब बची हुई है, यहाँ पे किचन जमी सब गंदा है, अभी सब अभी साफ सुथरा हो रहा है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं और कुछ बात, और ऊपर आ चुके हैं छत पे। और यहाँ पे देखिए बंद कर रहे गला, अब आ जाओ बेटा बंद कराना। देखिए कृष्णा को देखिए, कृष्णा यहाँ पे जो है क्या कर, एक मिनट। और ये जो है ना इतना बदमाश है, और बंद करो ना, वीडियो बना रहे हैं ब्लॉग। तो दोस्तों छत पे माल में आज जो है छत को भी अच्छा से धो रहे हैं, कहे तो छत पे वीडियो वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो। आप लोग वीडियो देखते अच्छा लगता है। और कुछ मतलब ब्लॉग दो दिन से नहीं बनाए होंगे तो आप लोग मेरा ब्लॉग का इंतजार करते रहते कि गुड़िया सिंह धमाल कहाँ है, मर गई कि जिंदा है, ये बात का भी हमको खबर आता है। काहे तो हमको कितना आदमी फ़ोन भी कर देते हैं कि गुड़िया जी आज आपका वीडियो नहीं बना, क्या हाल है, कैसे हैं। बहुत सारी दीदी भी फ़ोन करते, बहुत सारे भैया लोग भी फ़ोन करते, बहुत सारे देवर लोग भी फ़ोन करते हैं। तो आप बोलिएगा कि देवर देवर लोग कैसे बोले, तो देखिए मेरे देवर भी बहुत है। और ऐसा नहीं ये गुड़िया अति क्या कहते हैं गोरखपुरिया भौजी नहीं है कि पूरा गोरखपुर के भौजी, वो बात नहीं है। मैं से उस दिन जो है ब्लॉग बनाने के टाइम में और शॉर्ट वीडियो बनाने के टाइम में जब हम वहाँ दिल्ली इंडिया गेट पहुँचे ना, तो इंडिया गेट में इतना सारा देवर जी सब मिले, बताएं क्या बताएं, इतना सारा देवर जी सब मिले कि क्या बताएं, बता नहीं सकते हैं। और इतना खुशी हुआ हमको कि हमसे मिलके सबको खुशी हुआ, तो हम भी बहुत खुश हुए कि सारे भैया लोग हमसे मिलके बहुत खुश हुए। और वहाँ इंडिया गेट जब गए तो शॉर्ट वीडियो बनाए, और मेरा डांस देख के सबसे पहला बात तो मेरा डांस देख के सब खुश हो गया, और सब बोलने लगे कि गुड़िया जी, पहले तो नाम नहीं लिए, पहले बोले कि भाभी जी इतना अच्छा डांस कैसे कर लेते हैं। चारों बगल से सब घेर लिए, तो जो वीडियो बना रही थी वो उनको थोड़ा मोबाइल ढंग से नहीं पकड़ पाती है वीडियो, मतलब मोबाइल पकड़ पाते, मतलब जैसे घुमा के जैसे वीडियो बनाना था वो नहीं बना पाई। तो अच्छा लगा कि सब सबसे मिल के, तो जैसे पूरा घूम के अगर वीडियो बनता ना तो अच्छा लगा, अच्छा लगता। और आप लोग देखते, वैसे भी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे भैया लोग मिले, तो सबसे पहला बात है कि सब पूछने लगे। तो देखिए हम इतना बताना चाहते हैं कि सबको हम अपना परिचय दिए, और सब मेरा इंटरव्यू भी लिया, और सब अपना अपना ब्लॉग भी बनाया, तो अच्छा लगा कि इतना आदमी हमारा शॉर्ट वीडियो भी बनाए, हमको बहुत अच्छा लगा। आज जिन जिन को हमसे अगर मिलना है तो आप लोग हमसे मिल सकते हैं, जिनको जिनको हमसे मिलना है आप सब हमसे मिल सकते हैं। और बहुत सारे गाली उली देते थे पहले, अभी तो गाली नहीं देते। आ कितने आदमी बोलते हैं कि चल जाइए पति के पास, चल जाइए वो, तो हम एक ही वो बात बोल देते हैं आप लोग से, जो सब ये कमेंट करते हैं। तो आप लोग अपना दिमाग लगाना थोड़ा बंद कर दीजिए, समझे, उतना दिमाग मत लगाइए आना हम लगाना चाहते हैं, समझे। काहे तो हम दिमाग नहीं लगाना चाहते, इसलिए नहीं दिमाग लगाना चाहते हैं कि सुनील पासवान का आप लोग नाम मत लीजिए, अगर वो सही रहता तो आज हम ऐसा मोड़ पे नहीं रहते। मेरा पति गुड्डू है, समझे, गुड्डू, और वो कहीं भी है तो वो अलग बात है, हमसे दूर है कोनो बात नहीं, लेकिन हम खुश है, ऐसा नहीं है। हमको ये नहीं पता था कि
मेरा गुरु हमसे अभी दूर हो जाएंगे, तो उन इसमें उसका कोई गलती नहीं है, समझे, इसमें उनके परिवार का गलती है। तो खैर छोड़िए, अगर किसी को अच्छा ही लगता है मेरे ज़िंदगी में मजाक बना के रखना तो बोलो खुश है तो हम भी खुश है, वैसे कोई बात नहीं। वैसे भी मेरे हस्बैंड जी नीतीश जी जब हमको घर भेजे छोड़ दिए तो हमको बोले अकेले रूम लेके रहो 6 महीना के टाइम, तो अकेले हम रूम लेके रहे, अपने मेंटेनेंस करते हैं, जब हम खुद हर चीज़ करते हैं तो क्या चीज़ पति, क्या चीज़ का पति। तो पति वाला दिमागे हम हटा देना चाहते हैं, हम जैसे पहले काम करते वो सब दिमाग नहीं लगाना चाहते, हम पहले वाला दिमाग लगाए हुए कि हम उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते। हम आप लोग से सिर्फ सपोर्ट मांगते हैं, आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मुझे आईफोन चाहिए, समझे, आईफोन का मेरा सपना है कि मुझे आईफोन कब हो, और ये फ़ोन मेरा ख़राब हो चुका है। तो हम पति पत्नी ये सब हम झोल झाल अब नहीं रखना चाहते, हम तो ये सब बात हम नहीं दिमाग में लाना चाहते हैं। हम अब एक ही मकसद है मेरा कि मैं मेहनत कर रही हूँ, हमेशा करती थी, अभी भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, जब तक सांस रहेगा तब तक मेहनत करती रहूँगी। यूट्यूब चैनल पे मेरा चैनल है, जो सब नहीं जानते वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो जो नया नया ब्लॉग होगा, नया नया वीडियो होगा आप लोग तक पहुँचे, और मेरा अतीत सब जानते हैं। आप कोई भी कमेंट में फालतू फालतू बात मत बोलिए, आप लोग कहते हैं ना बच्चे के पास चल जाओ, पति के पास, ये सब बात जो बोलते हैं ना वो चल जाइए, हम इतना बता देते हैं। जिसको अगर अच्छा लगता है सुनील पासवान वो खुद चल जाइए उसके पास, मुझे नहीं जाना है। अरे हाँ, शादी का सवाल, अगर मेरा लाइफ है, हम बोले ना हम अब पति पत्नी ये सब झोल में नहीं जाएंगे, अगर मेरा लाइफ है, अगर आप लोग प्रेशर दीजिएगा, अगर मेरा लाइफ है तो अभी 3 शादी किए हैं, अभी 6 शादी करेंगे, समझे, इसीलिए आप लोग मुझे टॉर्चर मत कीजिए। और हम अपना लाइफ अपना कैसे जिएंगे हम खुद जानते हैं, ऐसा थोड़ी है कि आप शादी ही करेंगे तो मेरा जिंदगी कट जाएगा, मैं उस पति के पास चल जाऊंगा जिसके कारण मैं इतना बर्बाद हो चुकी हूँ, तो मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरा लाइफ में हम कैसे जिएंगे ना जिएंगे हम जानते हैं, और हम मेहनत करते हैं, और हम मेहनत करने वाला आदमी हमेशा आगे ही जाता है, और जो जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं हमेशा मेहनत करते रहिए, सब आदमी आगे जाइएगा। और मेरा नाम है गुड़िया, गुड़िया नाम था, आप गुड़िया नाम से सर्च कीजिएगा, और गुड़िया नाम के राशि को भी सर्च कीजिए कि वो इंसान कैसा होता है। तो मेरे भावना को लोग खेला है, मैं नहीं किसी को छोड़ी हूँ, कोई भी पति को मैं नहीं छोड़ी हूँ, मुझे सब छोड़ा है। काहे तो पहला तो नसेबाज छोड़ दी, उसका तो कोई बात ही नहीं, उसका 5 बच्चा उसके, लेकिन मुझे 5 बच्चा, हम 5 बच्चा की माँ। और दूसरा को तो समझिए, दूसरा मेरे पैसा से प्यार किया, दोनों बेटी कमाता था हम, तो मेरे पैसा से प्यार किया, मेरे जिस्म से प्यार किया, सब चीज़ ले दे के तब हमको खेल तमाम कर दे। और रहा मेरे गुड्डू जी का, तो गुड्डू जी ना मेरे पैसा से प्यार किया ना मेरे जिस्म से प्यार किया, वो एक नहीं बोलता लाचार औरत जब कहीं का नहीं रहती है तो कोई सहारा देता है, तो वो हम कहीं के नहीं रहे तो वो हमको सहारा देके वो हमको अपना पत्नी बनाया, समझे, तो इसमें उनका कोई गलती नहीं है गुड्डू जी का, वो उनके परिवार की गलती है। हम इतना रोते बिलखते थे तब हमारे गुड्डू जी हमको सपोर्ट किए, और इतना चीज़ जानने के बाद 5 बच्चा की माँ है, 2 शादी इनका हुआ है, फिर भी गुड्डू जी हमसे शादी किया, या शादी करके आदमी 5 दिन रहे या 12 दिन रहे, पति पति होता है, समझे। तो हमारे गुड्डू जी कहीं भी रहे खुश रहे और सलामत रहे, वो हमेशा खुश रहेंगे तो हम भी खुश हैं, और वो मतलब खुशी सलामत रहेंगे ना तो हम भी, देखिए सिंदूर देखते हैं ना, सिंदूर रहता है और रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक सिंदूर करेंगे, समझे। तो रहा नीतीश मंडल, नीतीश मंडल हमको क्या छोड़ेगा, हम उसको आप छोड़ दिए, मेरे पास उसका कोर्ट मैरिज का पेपर भी है मेरे पास, अगर हम चाहेंगे ना तो हम अभी भी दबाव कर सकते हैं, लेकिन हमको घटिया इंसान के साथ रहना ही नहीं, जो मेरे कमाई से मतलब रखे, मेरा पैसा से मतलब रखे, उससे क्या मतलब, जब हम अपना मेंटेनेंस खुद करेंगे और मेरे पैसा से उसका घर चलेगा, हम उससे क्या मतलब रखेंगे, ऐसा हमको नहीं चाहिए। जो हमको समझे वो पति चाहे, हमको हमारे पति गुड्डू जी ने समझे हैं, समझे, तो वो मेरे लिए सब बहुत अच्छे हैं। और गुस्सा आ जाता है कि नाम नहीं लीजिए, इसलिए कि परिवार का लाचारी है, लाचारी से वो शादी कर लिए गुड्डू जी, लेकिन बीच में हमको कभी खोज नहीं रहे हैं, इसलिए हम गुस्सा रह रहे हैं, लेकिन कहिए तो गुड्डू जी ही मेरा पति है। कहते हैं ना प्यार एक से होता है, सही में प्यार एक से ही होता है, कोई भी हो, या लड़का हो या लड़की हो,
या जेंट्स हो या लेडीज हो, प्यार एक ही से होता है। अब वो प्यार हम किए थे नीतीश मंडल से, समझे, प्यार एक ही से होता है, प्यार से हजार आदमी से नहीं होता है। हाँ, रिश्ता बनता है किसी और से, समझे। तो मेरा रिश्ता अब गुड्डू जी से बना हुआ है और मेरे पति गुड्डू जी हैं। और आप लोग कमेंट में फालतू फालतू बात बोलते हैं, हमको उससे बहुत मतलब, जो लेडीज जब बोल देती है दीदी लोग तो अच्छा नहीं लगता है। क्या बोलते हैं कि आप वहाँ रहते ममता जी के पास तो आप गुड़िया जी को समझाइए, ये क्या हम बुड़बक हैं, हमारे पास दिमाग नहीं, हमको कोई समझाएगी, हम बुड़बक लग रहे हैं आप लोग को। जिसके पास होता है, जिसके साथ होता है वो जानती है, हमारे साथ क्या। आप लोग सिर्फ इतना जानते होंगे कि तीन को शादी करें, किसका क्या हालात है, क्या है नहीं है, क्या बोले। मेरा अभी लाइफ है, अगर मेरा लाइफ है, अगर गुड्डू ही मेरे को छोड़ के चले गए और उसके परिवार के लोग लेके चले गए, अगर वो हमको नहीं देखेंगे, मेरा लाइफ है, मान के चले हम फिर शादी कर ले, तो आप लोग क्या करिएगा, कुछ करिएगा, कुछ नहीं कोई कर पाएगा, मेरा लाइफ है, समझे। तो आप लोग कमेंट में थोड़ा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, और जिसको अगर अच्छा नहीं लगे मेरा वीडियो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लाइक मत कीजिएगा। जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगे और जो हर भावना से खेल चुके हैं, जो हर भावना से झूम चुके हैं, वो हमारा बात ज़रूर समझिएगा। और हम नहीं चाहते झोल झाल, हम सिर्फ चाहते हैं कि हम कमाएं और कुछ करें, समझे। और लेडीज को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा सपोर्ट करेंगे। आप लोग सिर्फ जानते हैं गुड़िया सिंह धमाल खराब है, लेकिन हम खराब नहीं, हम किसी को नहीं छोड़े हैं, हमको सब छोड़ दिए, समझे। इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और जिन जिन को जो जो बात बोलना है, जो बोलना है आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग के कमेंट देख के हम वीडियो बनाते हैं। और वीडियो नहीं बन रहा था कि मेरा इस सीना में दर्द, ये दर्द का है तो मालूम है इसमें, तो ये सीना में दर्द, हाँ बोले सीना में, आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे ऊँचा हो जाता है दर्द बहुत होता है, अभी भी दर्द, रोज़ दर्द, बहुत दर्द से मरते रहते, समझे, बहुत दर्द होता है, सोते हैं ऐसे नहीं कर होता, यही मार से, इसमें जो मार लगा हुआ है ना, सुनील पासवान जितना मारता था ना, हम जानते हैं, मेरे चेहरा पर पूरा कटा खुटा रहता था, समझे। लेकिन सब ठीक हो गया, हम उतना हम अपना मेंटेनेंस कर लेते हैं, समझे। और रहा सबसे बड़ा बात, सब बात जानते हुए ही आप लोग बताना पड़ता, अच्छा नहीं लगता है। जो पति भाई भाई बहन का जो रिश्ता होता है, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन में मुझे राखी बांधने के लिए नहीं जाने देता था वो पति, जो हम भाई बहन में तीन भाई बहन है, समझे, हम दो बहन है एक भाई है, तो मेरी बहन पास में रहती थी तो जाती थी, लेकिन मेरा वो पति जो था सुनील पासवान, वो हमारे गेट के पास से ही गुजरते थे। एक रोज रक्षाबंधन के दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन हमको रक्षाबंधन में राखी नहीं बांधने दिया, तो वो तो समझे नहीं बांधे, लेकिन हर रक्षाबंधन में हमको जाने नहीं देता था। हमारी माँ जब से मर गई ना, जितना टॉर्चर किया है वो हम जानते, वही मेरा मार सब निकल रहा है। आप लोग कहते हैं हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है जब पति, जो जो औरत जो बोलती ना बड़ी शान से कि बाप रे कैसन औरत है ये वो, पहले एगो बात सुन, हंसी लगे का है वो थोड़ा हाँ शादी ममता जी कहते हैं ना कि बाप रे औरत खराब है, फन्ना चीन धमाल को खराब तो बोल देते गुड़िया सिंह धमाल खराब है। अरे जो औरत को पति कमा के ना देना, जिसका मेंटेनेंस ना करे ना, तब पता चलेगा। अगर औरत ज़्यादा भागशाली मौगी बनने का ज़्यादा शौक है ना जिसको, तो अपना कमाई पे करो तब पता चलेगा। पति को भरुआ बना दो, पति घर में रहे, तुम काम करो, सब चीज़ का मेंटेनेंस करो, और तब कूचे तब पता चलेगा कि दर्द क्या चीज़ होता है, समझे। हमारे साथ बीता हुआ है, हमारे साथ हो चुका है, समझे। क्या चीज़ का पति, अपने कमाएंगे, अपने मेंटेनेंस करेंगे, अपने हर चीज़ करेंगे, अपना तो ये बात का अफसोस है। मतलब दीदी लोग गाली दे देती है, समझे, तो अफसोस होता है कि औरत का दर्द औरत नहीं समझ पाती है, समझे। तो जो औरत लोग बोलती है ना, अपना घर चले, बच्चा उच्चा, बच्चा को ले गया वो अपना भाग से रखे, जब मेरे पास उतना कैपेसिटी होगा, मेरे पास उतना पावर होगा, तो मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा, समझे। कोई माँ ऐसी नहीं होती है कि अपना बाल बच्चा से दूर रहे, लेकिन हम है दूर, क्यों है दूर, हम मर जाएंगे लेकिन उस घर में नहीं जाएंगे,
इसके लिए हमको 12 गो शादी काहे नहीं करना पड़े, 12 गो शादी करेंगे लेकिन नहीं जाएंगे। जब आप लोग का शौक है कि गुड़िया सिंह धमाल शादी है पे शादी, तो आप ही लोग का शौक पूरा करते हैं, हम अपना शौक कहाँ पूरा करते हैं, आप ही लोग। वो जो है यूट्यूब पे जो काम करते हैं, तो कैसे कहती है गोरखप्रिया बोजी, ए रे नतिया, ये कौन नतिया बारी रे। हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, आप लोग देखते हैं, कभी मुंह से अशब्द बोली या खराब बोली सुने हैं ना, सुने हैं और ना कभी सुनने के लिए देंगे। तो मेरा हालात ऐसा है, हमारा पति लोग खुद छोड़ के जाते हैं, हम नहीं किसी को छोड़े, समझे। और वीडियो भी बनाते हैं तो ढंग के। हाँ, रहा कपड़ा का सवाल, तो कपड़ा कोई भी पहनो अलग बात, या फुल शॉर्ट पहनिए या फुल कपड़ा पहनिए या हाफे जींस का ही नहीं पहने, लेकिन एक तरीका का डांस होता है, एक तरीका का हर चीज़ होता है। कपड़ा पहनने में कोई गलत बात नहीं है, कोई भी इंसान कपड़ा पहनिए, लेकिन वो जो उठा वाला जो साया उठाओ साड़ी उठाओ, वो सब वीडियो नहीं बनना चाहिए, समझे। तो वो वीडियो आप लोग हमारे ऊपर देखे हैं नहीं देखे हैं, आना कभी देखेंगे, आना कभी हम वैसा बनाएंगे। हाँ, हम कपड़ा हर किस्म का पहनते हैं, पहनेंगे, या फुल हो या हाफ हो पहनते हैं, आप पहनेंगे, वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन हम अश्लील वीडियो नहीं बनाते हैं। तो आप लोग इससे नहीं समझ आता है कि गुड़िया सिंह धमाल कैसी है ना है, थोड़ा इससे भी आप लोग समझिए, समझे। और सारा बात तो बताइए दिए, जो औरत तो ज़्यादा तेज बनती है ना कि हम पाप, हमारे जैसे सती सावित्री, सावित्री जो बनता है आदमी कि हम सती या सावित्री है, थोड़ा अपने कमा के देखिए तब पता चलता है घर का मेंटेनेंस कैसे होता है, बच्चा को कैसे पालते हैं, अपना कैसे क्या, अब तब मार गाली सुनना पड़ता है, समझे। तो किसी को बोलने से पहले आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। अभी बहुत सारा बात बताना था, मेरा तो तबीयत खराब रहता है, वीडियो कल नहीं बना, आज भी नहीं बनाते, दर्द हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा जिसको जो बोलना है बोलिएगा। और खैर ये सब छोड़िए, अभी रूम सब साफ करेंगे, अच्छा पूरा सेटिंग हो जाएगा तो वो भी आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फेसबुक पे, फेसबुक पे आप लोग फॉलो करिएगा, और मेरा यूट्यूब पे आप लोग देखिएगा, और आप लोग को कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके लिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, बाय, लव यू।